अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। मेरा नाम हरेन है और मैं अपनी फैमिली से दूर बॉयज़ हॉस्टल में रहता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से दूर शहर के कॉलेज में आया था। तो ये बात है अभी कुछ ही दिनों पहले की। एक रात मैं हमेशा की तरह खाना खाकर अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक बीच रात में मेरी नींद खुल गई और तब मैंने घड़ी में देखा तो रात के 2 बज चुके थे। उसके बाद मैं फिर से सोने वाला था, तभी अचानक मुझे किसी लड़की की पायल की आवाज़ सुनाई देने लग गई और उस वक्त मुझे लगा कि मेरे घर के आसपास कोई लड़की होगी, इसलिए मैं उस पायल की आवाज़ का पीछा करते करते घर के बाहर निकल गया। और जैसे ही मैं घर के बाहर आ गया वैसे ही पायल की आवाज़ आना बंद हो गई। उसके बाद मुझे लगा कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ऐसा सोचकर मैं वापस घर के अंदर जाने ही वाला था, तभी अचानक मेरे कानों में किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देने लग गई। अरे यार, इतनी रात को ये कौन रो रही है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर मैं उस लड़की के रोने की आवाज़ का पीछा करते करते आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उस लड़की के रोने की आवाज़ बंद हो गई और उसके बाद मेरा फोकस उस आवाज़ से हट गया और मैंने जब खुद को देखा तो मैं पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि मैं उस लड़की की रोने की आवाज़ का पीछा करते करते कब हमारे कॉलेज के जंगल में आ गया ये मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि वो जंगल बहुत ही ज़्यादा डरावना था। इसलिए मुझे अंदर से थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए उस जंगल से मैंने वापस घर जाना ही ठीक समझा। अभी मैंने अपने घर की तरफ जाने के लिए 2-3 कदम आगे बढ़ाए ही थे, तभी अचानक मुझे किसी की एक डरावनी आवाज़ आ गई। हे, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? और ये सुनकर जब मैं पीछे पलटा तब मैंने देखा कि मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी और उसका सर कटा हुआ था। उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और उसी डर के कारण मैं वहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तब मैंने खुद को देखा कि मैं अपने बेडरूम में सोया हुआ था और उस वक्त सुबह के 6 बज चुके थे। इसका मतलब वो मेरा एक सपना था, लेकिन वो कहते हैं ना कि सुबह के सपने सच होते हैं, इसलिए मुझे हमेशा इस बात का डर लगता है कि कहीं ये सपना हकीकत ना बन जाए।